एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली आज हम आ चुके हैं अपने डे नंबर 37 पर। भाई 37 डे हो गए, देखो देखते देखते 37 डे से मैं आपको रोज़ मिल रही हूँ टारगेट देने के लिए और आप रोज़ मुझे सुन रहे हैं टारगेट लेने के लिए कि काजल दी आज क्या टारगेट है। और रोज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जब आप आके लिखते हो कि काजल दी आज मैंने ये टारगेट्स कंप्लीट किए, आज मेरा ये टारगेट है, इट फील्स गुड क्योंकि किसी की तो हेल्प हो रही है ना, राइट। तो आज हम डे नंबर 37 पर आ चुके हैं। अगर हम बात करें डे नंबर 37 में, तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स में कर रहे होंगे काइनामेटिक्स का लेक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर में उलझाया जा सकता है। वैसे तो चैप्टर ईजी रहता है नीट वालों के लिए, लेकिन उलझाया जा सकता है क्योंकि इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो तो क्लास 9 के फॉर्मूले हैं, पढ़े थे ना हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो है तो वही छोटे छोटे फॉर्मूले, लेकिन घुमाया जाता है बहुत ज़्यादा इसीलिए। और जैसे ही आज आप लेक्चर देख लेंगे, वैसे ही आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, आयुष सर से कर रहे हो, आप अभिषेक सर से कर रहे हो, आप एमआर सर से कर रहे हो, पर उनके जो नोट्स रहते हैं आप उसको सोने से पहले, रात में, शाम में, जब भी आपको टाइम मिले प्रॉपर बैठ के अच्छे से रिवाइज़ कर लिया करो, बिकॉज दिस इज़ द वन थिंग जिसके कारण आप खुद पर बहुत 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 ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले करना है। और बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आज आपको पी ब्लॉक का लेक्चर दोबारा देखना है। और क्योंकि अब पी ब्लॉक को बहुत हद तक डिलीट कर दिया गया इस पोर्शन को, इसीलिए आज हम पी ब्लॉक के लेक्चर को वाइंड करेंगे और आज हम कर रहे होंगे पी ब्लॉक का बचा कुचा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी हो पा रहा है इन एनी केस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप रिविजन के डे के लिए छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पी ब्लॉक का या तो लेक्चर कंटिन्यू कर लो, और आता है या लेक्चर पहले से भी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बात करें हम बायोलॉजी का, तो हमने कल स्टार्ट किया था लोकोमोशन एंड मोमेंट वाला चैप्टर, तो आज भी हम लोकोमोशन एंड मोमेंट वाला चैप्टर जो है उसको ही कंटिन्यू करेंगे, उसका लेक्चर ही हम कंटिन्यू करेंगे। और लेक्चर कंटिन्यू करके तुरंत के तुरंत हम कर रहे होंगे रिवाइज, बिकॉज हर एक दिन का अगर आज का आज वाइंड करते जाओ कि आज का आज मैं रिवाइज करते चलूँगा दी, तो लाइफ वुड बी वेरी सॉर्टेड, प्रेपरेशन विल बी वेरी सॉर्टेड। दिक्कत आ जाती है जब हम 6 महीने के बाद टाल देते हैं कि काजल दी उस दिन रिवाइज कर लूँगा, मुहूर्त नहीं होता रिविजन का, जैसे ही ब्रेन बोल रहा है भूल जाऊँगा, तो जाओ पहले रिवाइज करो उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो यही बताना था, और सो मच ऑफ गुड लक, बेस्ट विशेस और सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।